हेलो, और उड़ते हुए आ चुकी हूँ मैं और इस पर प्लान कर रहे हैं इधर फिर से प्लान करते रहते हैं दीवारों में नीचे छुपते रहते हैं, नहीं तो छत नहीं हो जाती। सही बोला था मैंने, आज मैं बिल्कुल मूड पे हूँ। सबको मारूंगी, एक एक पर मारूंगी, चुन चुन के मारूंगी। 6x का बदला जला लो, कुछ भी जला लो, कल आना चाहिए। स्मोक करके सोचते नहीं दिखेंगे यार, पीना मेरी तेज़ है जैसे कि आपको पता ही है। चीज़ सबको पता है ये तो। और पहले जो ये देखो, ये पहले नहीं जाते, इनको आगे भेजना पड़ता है जबरदस्ती। यहाँ एक से निपट चुके हैं, दूसरा भी छुपा हुआ है। छुपन चल रहा है यहाँ पे, घर पे कमरों पे छुप जाओ, कल खेलना छुपन छुपाते। ऐसे आएंगे हल्के से प्री शॉट दो, अपने आप आ जाए। गड्डी लेके कहाँ घूम रहे हो भैया? सांप बिच्छू को फील कर दिया, ऐसे घूस के छुपे रहते हैं कोने कोने में, सांप बन जाएंगे बिल्कुल। इन्हीं के वजह से पूरे झाड़ियों को देखना पड़ता है, जहाँ आवाज़ आ रही है पूरे इसको आगे भेज रहे हो फिर से। देखो नहीं जा रहा, मेरे को जाना, अभी आगे आ जाएगा। सबसे पहले लूटिए, देख लो सही बोला था। अभी आप टीवी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो सिर्फ विडंबना नहीं है, यहाँ पे बस एमो का ही दिक्कत है। यहाँ से 20 बिल्डिंग पर मुझे वॉल शॉट बहुत पसंद है। अब देखना मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ, ठीक है? ये देखो चीचा बहुत विधायक हो रहे हैं, थोड़ा दाइने बाने देख लिया करें। नेक्स्ट बिल्डिंग पे कोई हो सकता है जैसे कि मैं, इसको भी प्री शॉट वाला वेट बन गया। यहाँ पे चर्च पे थर्ड का भी फोर्थ पार्टी करते हुए मैं, बहुत इजी होता है जब थर्ड भी नहीं फोर्थ पार्टी कर रहे हो और आप हो फोर्थ पार्टी। थर्ड पार्टी कोई और नहीं ना, बहुत अच्छा था। फ्री का किल मिल जाता है, जिसका किल है उसका किल छोड़ देगा, ईजी और एक साथ पोजिशन होल्डने का भी पॉइंट होता है, तो सुनने में आया था। पर यहाँ पर हम क्लासिक में भी पोजिशन होल्ड करते हैं कभी कभी, जैसे अगर टीम मेट्स कहीं ओपन ले जाए, जैसे टावर एरिया ले जाए और बस नहीं तो गाड़ी ला के रोक दी यहाँ पे। अभी इनके साथ इसका 2 रुपीस वार कर, ऑटोमेटिकली ये लोग पूरा हेडशॉट खाते हैं। फिर अच्छा लगता है ऐसे प्री शॉट दो, ऑटोमेटिकली एकदम ओपन से झाँक के आ जाएंगे, कौन मार रहा है कहाँ से मार रहा है, ओ भाई 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 करके आ जाएंगे, मुझे किल हो जाता है। तुम्हारे चाचा भी विधायक है क्या? ये देखो इसको भी राइट टाइम कुछ नहीं दिखता, रश करेंगे भूत बना देंगे। बस ज़िंदगी में यही तो प्रॉब्लम है, 20% के नीचे बैटरी जाते रिकॉर्डिंग तो पूरा ग्लिच शुरू हो जाता है। कोई नहीं, दुख दर्द की रहती रहेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। डिवाइस प्रो है और ना ही इंटरनेट, बस से मज़ा आता है। कुछ भी खेलो, कुछ भी रिकॉर्ड करो, उसको एडिट करके अपलोड, अपनी ही खुशी होती है। जिले लाई पहले टावर में उतर गए तो पूरा टावर अपना पहले ही टावर कैप्चर करके बैठ गया, बहुत ईजी है। यहाँ पर सब खुशी कर देंगे स्टार्टिंग से, फर्स्ट लाइफ सब चाहते कि वो पुश करे, रश करे ताकि पेस ज़्यादा हो। सेकंड लाइफ सब टाइम करते हैं, सबको पता है, तो सेकंड लाइफ था ये। बट अगर रखेगा सो भी जा रहे हैं, एनिमीज सामने है तो भाग तो नहीं सकते, यू हैव टू बस। यहाँ पर दूसरे के घरों की लड़ाई हो रही है, तो उसमें मसाला घी हमें भी डालना है, हमें भी आग बढ़ानी है। अपना खेल के एक हाथ निकाल सके तो बहुत अच्छा है। कभी कभी तो मैप भी चेंज करके खेल लेते हैं, जस्ट मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है। थोड़ा सा मैप चेंज करने में थोड़ा न्यू टेस्ट भी हो जाता है। बहुत दिन हो गए मेरा मार वीकेंड ही खेले हुए, जब से रैंगल खेल रहे तब से रैंगल ही खेल रहे हैं। लॉन्ग शॉट का तो क्या ही बोलो, रेड डॉट से जो बात मज़ा आता है यहाँ पर, नो शॉट अलग ही सीन है यहाँ पर, तो क्या ही बोलो, बहुत अच्छा शॉट था। एक मैंने स्नाइपर शॉट लिया था, उसका भी एक रिकॉर्डिंग होगा इसी में, पता चला। और इसमें भी 3 मिनट शॉट था, ध्यान देखो यहाँ पे काउंटिंग दस अब मैटर की आप सारे आए हैं, काउंट करने कितने काउंट अपने पैर के शॉट्स बाकी हैं। इफ़ यू मैनेज तो आप ऐसे शॉट्स कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जस्ट ट्राई करना है कि प्रैक्टिसिंग एमो कितने बुलेट्स फायर हुए एवरी शॉट, वो ध्यान देना पड़ता है। वैसे बिना इतनी मेहनत के जस्ट भी रेगुलर अपने आप सब ट्रेनिंग हो जाती है बिना थिंकिंग। यहाँ पर मैंने कुछ किया था एक और होता तो 1v3 हो जाता है, 2 फ्रेंड्स होते हैं ना, 1v3
गया है कभी उनको ये रिकॉर्डिंग उनके लिए स्पेशली था। वैसे अगर कोई पहले से कैंप कर रहा है तो इफ यू आर इमेज बेटर यू कैन डू दैट। मेरी तरह प्रोन होकर कहीं भी भाग सकते हो ओपन एरिया में भी, अगर एनिमी को पता है कि आप आ रहे हो तब भी, अगर आपके पास इतना है कि आप जाके स्प्रे करेक्ट ऑन हेड शॉट दे सकते हो तो आप जा सकते हो। मेरी तरह ओपन में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फेस टू फेस फाइट हो सकती है। अगर आपका शॉट्स उतना क्लियर नहीं है तो आई डोंट रिकमेंड कि आप सीधा रश कर लेते हैं। रश थिंग इज ऑल्सो मैटर। मैंने नोटिस किया कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो रश करना चाहते पर वो मिस कर जाते हैं और फिर वहाँ पर पूरी तरीके से मार खाते हैं। तो रश तभी करें, स्टार्टिंग फॉर बिगिनर्स आई विल से कि इफ यू ट्राई टू रश अपने फ्रेंड्स के साथ पुश करें, अकेला मत जाएं, वरना बहुत बार पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा इतनी बार पड़ेगी कि आप लॉबी भी जा सकते हैं। सो वो ट्राई करना मत। अगर हाँ, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन ऑफकोर्स यू शुड ट्राई। वैसे झूठ नहीं बोलेंगे, अभी अच्छा आया हुआ है, अनरैंक मैप आया हुआ है, वरना पहले स्टार्टिंग में रैंक मैप में पूरा ट्रेन ऐसा होता था। आई रिमेंबर अनरैंक मैप जब से आया कि इट बिकम्स इजी टू प्ले रश मोड। आप उसमें पूरा रश खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रैंक आपका डिमोट नहीं होगा। अभी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो काम होने वाला है, आई विल ट्राई कि मैं उसका भी कुछ रिकॉर्डिंग डाल सकूं। थोड़ी देर बाद खुद ही से एडिट करना होता तो बहुत टाइम लगती है। ये राजा शॉट की बात कर रही थी मैं, 2x के साथ मारा था मैंने इतनी दूर, चीन की आ गया मेरी चीन की। स्नाइपिंग तो करते ही नहीं, वरना सब लॉबी चले जाएंगे छोड़ छाड़ के, अनइंस्टॉल कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में जब खेला था सीनियर फाइव मैंने जब खेला था स्नाइपिंग, तब मैं बहुत करती थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि जिनको भी मारा था उसको उन्होंने अनइंस्टॉल किया था। उन्होंने मुझे मैसेज भी किए थे कि भाई माफ़ करो, हम चलते हैं, आप ऐसा खेलोगे तो हम ऐसे नहीं खेलने वाले। हम जस्ट केडिंग। बट हाँ, सबसे अच्छा लगता है जब आपका ओपोनेंट आपका यू आर अ हैकर, तब बहुत अच्छा लगता है। एंड आई कॉल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।